What's up, people? Welcome to another vlog. So this time I am reviewing the all new Hunter 350, which I have bought on 16th of August. तो उसको मैं रिव्यू करूंगा बाइक वाज. तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट राइड वीकेंड से अराउंड 1 or 1.5 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा शॉर्ट राइड पर जा रहे हैं, और वहां तक पहुंच करके मैं बताऊंगा मैंने बाइक कितना ड्राइव कर ली, राइड कर ली है. अभी तक जो बाइक मैं राइड कर चुका हूँ वो अराउंड 107 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ. ये किल स्विच है, किल स्विच ऑन करेंगे और देन वी विल मूव टू आवर प्लेस जहाँ हम लोगों को जाना है. इसको थोड़ा और सेट कर लेता हूँ एक बार कैमरा एंगल को. यस, सो वी आर ऑल सेट टू गो. लेट अस स्टार्ट द बाइक फर्स्ट. इग्निशन ऑन, फिर कुछ सेकंड्स वेट करना है क्योंकि एक आवाज साउंड आती है. नाउ लेट्स गो. अभी तक जो है 107 किलोमीटर्स में राइड कर चुका हूँ बाइक को, और मैंने अराउंड 7 लीटर्स पेट्रोल डलवाया था. कंपनी ने मुझे जो पेट्रोल दिया था 1.5 लीटर्स पेट्रोल दिया था, तो एक एवरेज में समझ रहा हूँ. वैसे तो मुझे नहीं पता कि क्या माइलेज दे रही है बाइक, लेकिन जो मैंने सोचा है वो और जो समझा है वो अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर का बाइक ने मुझे माइलेज देगी, 35 से लेकर के 40 के बीच में. बाकी जो एग्जैक्ट माइलेज होगा वो तो देखो गाइस सिटी में और फर्स्ट सर्विस के बाद पता चलता है कि क्या माइलेज निकल के आने वाला है. अभी मैं यहाँ पर आगरा में पालेवल पार्क, एक जगह है काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ थोड़ा शांत रहता है एरिया पूरा, तो वहाँ पर जाकर के अपन लोग वीडियो शूट करेंगे. इसका पूरा रिव्यू करूँगा मैं कि बाइक मुझे ओवरऑल कैसी लगी, और उसके अलावा जैसे माइलेज हुआ, फर्स्ट गियर चैलेंज हुआ, और कुछ चीज़ें और छोटी मोटी चीज़ें हैं, रोड टेस्ट हुआ, टेस्ट राइड क्वालिटी जो भी रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. इस वीडियो में सिर्फ हम एक वॉक अराउंड करेंगे बाइक का, बाकी अभी हल्का फुल्का मैं थोड़ा राइड के टाइम यानी कि वहाँ पहुँचते टाइम बता दूंगा. अभी पीपल आर स्टारिंग मी कि वॉट ही इज डूइंग, बट बाय द वे इट इज सो कॉमन इन नाउ डेज. एकदम कुछ आवाज़ आई थी, आई डोंट नो आवाज़ किस चीज़ की थी, वो ऐसा लगा था जैसे कुछ टकराया है बाइक पर. अभी यार एक छोटा सा दिक्कत है बाइक के साथ कि मेरा बाइक का नंबर आ चुका है लेकिन HSRP आई नहीं है बाइक की अभी, और उसके अलावा जो है मुझे लेग गार्ड चाहिए था बाइक का, लेग गार्ड भी नहीं आया, तो मैं थोड़ा सेफ्टी से चला रहा हूँ बाइक को. होटल और एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें बाइक में परफेक्ट हैं. दिस इज हाउ द बाइक राइड्स, बहुत मतलब आई मीन सुपर्ब, द राइड क्वालिटी इज ऑसम. जितना भी राइड करा है ना मैंने, एक्चुअली सिटी में ही राइड करा है बाइक को, मैं हाईवे या कहीं अभी तक लेकर नहीं गया हूँ बाइक को, तो हाईवे वाली जो चीज़ होती है आई कांट टेल कि क्या परफॉर्मेंस है. बट सो दिस इज़ आर डेस्टिनेशन जहाँ पर हम लोगों को पहुँचना है, जो प्रॉपर हम लोग एक रिव्यू करेंगे बाइक का, एक वॉक अराउंड, नॉट रिव्यू बेसिकली, वॉक अराउंड करेंगे. तो यहाँ पर इस बाइक का वॉक अराउंड करेंगे गाइस, यहाँ पर एक प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फील आ रहा है. गाइस दिस इज़ माय हंटर, और ये मेरे पास की है बाइक की, इस तरीके से कुछ की मिलेगी जो रॉयल एनफील्ड में यूजुअली मिलती है आपको. और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बाइक है, ये जो बाइक है ये मेट्रो डैश डैपर एश कलर है जो मैंने लिया था. मैं शोरूम गया था, सबसे पहले मुझे ये वाला कलर आई कैचिंग कलर लगा था, तो मैंने इसी कलर को फाइनल कर दिया था शोरूम में जाकर के. अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बाइक में तो ग्राफिक्स और सारी डिज़ाइन की, तो ये जो बाइक बेसिकली दे रखी है रॉयल एनफील्ड की बाइक है हंटर 350. मार्केट में जो उसको लॉन्च करा गया ये सोच के लॉन्च करा गया कि जो कंपटीटर जैसे इसमें जो रेट्रो इस टाइप की जो लुकिंग में बाइक होती है यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो उसको देखते हुए कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च करा. अब उसके साथ हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन भी हम लोग इसमें कुछ कुछ चीज़ों को कंपेयर करेंगे रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइस है और वो जो सारी चीज़ें इस बाइक में वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक जैसा है. तो सबसे पहले हम लोग अगर इसमें देख लें तो इसमें 350cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दे रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑयल कूल्ड भी है. जो पावर डिलीवरी की बात करें वो 20.2 BHP की इसमें पावर दे रखी, जस्ट लाइक द सेम एज ऑफ क्लासिक. लेकिन यहाँ पर पावर में एक चीज़ और आएगी, जैसे ये जो है इस बाइक के अंदर जो पावर डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं जो है जो क्लासिक है क्लासिक वाले से थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए क्योंकि इसका जो वेट है वो वेट कम है. अब वेट क्यों कम है बाइक का, वेट इसलिए कम है क्योंकि बाइक की जो ओवरऑल डायमेंशन है सिर्फ विड्थ इसमें 800mm दे रखी है जो कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक से थोड़ी ज़्यादा है. बाकी जो लेंथ है बाइक की, व्हील बेस दे रखा है, दोनों व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक से कहीं ना कहीं कम मिलेंगी. तो जिस वजह से क्या होता है बाइक का जो वेट कम हुआ है, बाइक का वेट कम होने के साथ बाइक में आपको कहीं ना कहीं वो वाली पावर फील होगी इफ़ यू आर रेसिंग और फिर कंपेयरिंग विद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. अब
ये पूरा रहा इसका एक ओवरव्यू बाइक का। अब मेरा रीजन क्या था इस बाइक को परचेस करने का, तो ये जो बाइक मैंने परचेस करी थी इसलिए करी थी क्योंकि इस प्राइस पर मुझे 350 cc का इंजन मिल रहा था विद दिस पावर। रॉयल एनफील्ड आप सभी जानते हैं इंडिया में कितनी अच्छी वैल्यू है रॉयल एनफील्ड की, तो रीसेल वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको रॉयल एनफील्ड में मिल सकती है। इसके साथ ही एक जो कॉम्पिटिटर है इसका वो है TVS रॉनिन जो 225 cc की, लेकिन उस बाइक के अंदर जो है ये वाला जो रीसेल वाली चीज़ होती है वो शायद मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी अच्छी मुझे रॉयल एनफील्ड की मिलती है। इस वजह से मेरा रीजन था इसको बाय करने का, और पावर डिलीवरी और वो सारी चीज़ें जो मिल रही थी वो इसमें थोड़ी 20.2 BHP सेम मिल रही थी क्लासिक से। अब मैं बार बार क्लासिक का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर किसी इस टाइप की बाइक पर रहते हैं तो आपके मन में सबसे पहली बाइक आती है क्लासिक। क्लासिक ही क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उन सबको ट्रेंडिंग में है क्लासिक, और हर किसी का मन करता है कि दे हैव टू बाय क्लासिक, तो उनको क्लासिक के लिए जाना चाहिए। तो इस वजह से क्लासिक से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अब जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं बाइक में क्या फीचर्स दे रखे हैं और बाइक का हाइप क्यों है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो हाइप एक तो इसका प्राइसिंग जो आया 1.49 लाख रुपीज़ जो है रेट्रो वेरिएंट है जो इसका बेस वेरिएंट है उसका प्राइस जो है 1.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है, तो वो फिर प्राइस है वो कहीं ना कहीं इस बाइक में बहुत अच्छा प्राइस दिया हुआ है। मैं भी थक चुका हूँ बोलते बोलते कंटिन्यूसली, बट कोई नहीं। तो वो जो प्राइस है 1.49 काफ़ी अच्छा प्राइस रखा गया। ये जो बाइक है मैंने जो ली है वो 2,07,154 रुपीज़ की मुझे ऑन रोड पर ही है, इसके अंदर 2,00,754 की विद फ्यू एक्सेसरीज, जिसमें एक एक्सेसरीज में आपका यहाँ पर लेग गार्ड है बाइक का जो मुझे अभी नहीं मिला है क्योंकि अभी शोरूम पर अवेलेबल नहीं था। दे आस्क्ड मी 2-3 डेज, तो मैं वेट करूँगा अभी 2-3 दिन और, उसके बाद जाकर के मुझे एक तो इसकी नंबर प्लेट चेंज करानी है और इसका जो लेग गार्ड है लेग गार्ड चेंज कराना है। अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं बाइक में कि फ्रंट से क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक फ्रंट कंसोल मिलेगा जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके साथ ही जो आपको एनालॉग में मिलेगा ये भी मैं दिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ जो नीचे साइड में आप देख सकते हैं जो आपको हेडलैम्प्स मिलेंगी रॉयल एनफील्ड की जो यूजुअल होती है आती है अभी तक एक बोल सकते हैं सिग्नेचर हेडलैम्प्स आती है वो हेडलैम्प्स मिलेंगी, नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलेगा इसमें, और यहाँ टर्न इंडिकेटर्स। ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं आप एज एन एक्सेसरीज शोरूम से करवा सकते हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 4,000 रुपीज़ आपको कॉस्टिंग पड़ेगी टर्न इंडिकेटर्स की। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे सस्पेंशन दे रखे हैं, सस्पेंशन के साथ जो इसमें टायर दे रखा है टायर जो है वो क्लासिक है, क्लासिक से ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं ज़्यादा बड़ा टायर है, बट ये जो है ये 17 इंचेस के हैं और क्लासिक में अगर आप देखेंगे तो क्लासिक में आपको जो व्हील साइज़ मिलेगा वो 19 इंचेस की व्हील मिलेंगे। अब इसमें नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पर जो टायर मिलेगा 110/70 के 17 इंचज़ के व्हील मिलेंगे, ड्यूअल चैनल ABS के साथ ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ, जो डिस्क पैड का साइज़ है वो भी सेम साइज़ है जो क्लासिक में मिलता है कंपेयर अगर हम लोग करें तो। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे अपन लोग, फ्रंट से तो ये हो गया बाइक का। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा आपको, उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रॉपर ब्रेक के लिए पैडल है ये थोड़ा ग्रिप बनाने के लिए इस टाइप का दे रखा है जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ रॉयल एनफील्ड का प्रॉपर आपको लोगो मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है अगेन, और ये जो डैपर एश कलर है यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड जैसा कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, ये आरी दे रखा है कुछ ग्राफिक्स और ये पूरा टैंक इसका। यहाँ पर अगेन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग मिलेगी प्रॉपर, और ये फुटरेस्ट ऑयल के लिए। अब रियर सेक्शन टायर पर आए हम लोग, तो रियर सेक्शन में जो टायर मिलेगा 140/70 के 17 इंचज़ के व्हील मिलेंगे, ये टायर साइज़ भी है, टायर साइज़ जो है वो इसका जो है वो बड़ा है टायर, एंड अगर हम कंपेयर करें क्लासिक से तो क्लासिक का टायर कहीं ना कहीं वो 120 है और ये 140 है, बाकी तो टायर ये ऑब्वियसली कि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर ड्यूअल चैनल ABS के साथ आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, फ्रंट रियर दोनों में ही डिस्क है और दोनों में ही ABS है। अब जैसे इसमें रियर लुक में देख लो तो रियर लुक में जो ग्रैबरल्स दे रखी हैं ये वाली ग्रैबरल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस बाइक पर, मैं कह सकता हूँ सूट करती हैं प्रॉपर जो साइड से लुक आता है बाइक का। और यहाँ पर जो टेल लाइट मिलेगी वो LED टेल लाइट मिलेगी, टर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल वही बल्ब टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन आप इसको अगेन शोरूम से एज एन एक्सेसरीज पार्ट चेंज करा सकते हैं, यू हैव टू पे 4,000 रुपीज़ फॉर दैट। यहाँ कुछ स्पेस नंबर प्लेट के लिए मॉडल पूरा रिटन है यहाँ पर डैपर एश और जो भी मतलब होता है इसके साथ ही। ये कुछ साइड प्रोफाइल है इसकी बाइक की, तो साइड से आप देख सकते हैं बाइक को कि अगर हम इधर से देखें तो ये जो लुक आता है प्रॉपर बाइक का इस प्रॉपर ग्रैब रेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है बाइक का। बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक दे रखा है इसमें, एवरेज वही जो कंपनी बोलती है अराउंड 30-35 बोलती है, तो मैं भी समझता हूँ तो 35 के अराउंड माइलेज आ जाएगा बाइक का 35 से और 40 के बीच में अगर आप तरीके से बाइक को राइड कर रहे हैं बिना किसी एग्रेसिव राइडिंग के। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बैठ करके कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो
तो ये जो मिलेगा इसमें, यहाँ पर आपको पास का मिलेगा, स्विचेस जो है थोड़े डिफरेंट कर दिए हैं इंडिकेटर के लिए, हॉर्न के लिए, और राइट साइड में स्टार्ट के लिए भी सेल्फ स्टार्ट है, आपको यहाँ पर स्विच मिलेगा। ये जो है ये हैजार्ड के लिए दे रखे हैं, हैजार्ड लाइट है, हैजार्ड लाइट यहाँ से चलती है आपकी, ऑन ऑफ दोनों चीज़ें हैजार्ड लाइट यहाँ से हो सकती है। अब एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, अब ये यहाँ पर इग्निशन ऑन करके एक बार देखते हैं। मुझे की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी रॉयल एनफील्ड की, 160 तक दे रहा है। यहाँ पर गियर इंडिकेशन है, गियर शो करता है किस गियर में है, टाइम शो करता है, इकोनॉमी पर अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी भी शो करता है, सेम एज यहाँ ओडो रीडिंग है। ये आई बटन जो पहले पास का आता था, आई बटन से आप देखते हैं ये चेंज हो गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी और अगेन ओडोमीटर। बैटरी का इग्निशन यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो किल स्विच है वो ऑफ है। अब मैं ऑन करता हूँ उसको, किल स्विच ऑन हो गया, हल्की सी आवाज़ आई। अब मैं जैसे स्टार्ट करूँगा ये बाइक स्टार्ट हो गई, वो भी हो गया। अब ABS एक्टिवेट दिखा रहा है। अब क्या होगा, एक्सीलेटर लूंगा तो बाइक बंद हो जाएगी क्योंकि स्टैंड है। देखो जैसे मैं गियर में डालूंगा बाइक को, भी गियर में डाला मैंने, बाइक बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अभी मेरी बाइक का जो है स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए। अब एक बार अपन लोग एग्जॉस्ट भी सुन के देखते हैं बाइक का। लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। तो ये एग्जॉस्ट है बाइक का, मुझे एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अगर मैं कंपेयर करूँगा पिछली बाइक से रॉयल एनफील्ड की। हाँ, कॉन्टिनेंटल को और इंटरसेप्टर को छोड़ दिया रहे, तो एक बार हॉर्न भी देखते हैं। हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा खास नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब ओवरऑल द बाइक इज़ वर्थ इट बाइक है। और अभी कुछ चेंजेस ऐसे मुझे कराने हैं, ये जो साइड मिरर्स हैं इनको हटवा करके मैं यहाँ पर लगवाऊंगा दोनों ही साइड के, और कुछ चेंजेस और कराने हैं। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द हंटर 350। डायमेंशन जो होगा स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, जो भी बाइक के डायमेंशन रहेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी ऑफ द न्यू बाइक, यूज्ड कार, यूज्ड बाइक्स, तो यू कैन डायरेक्टली आइदर कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन कमेंट बिलो, और जस्ट शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिससे कि जो भी लोग इस बाइक को खरीदना चाह रहे हो उनको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया लग जाए कि ये बाइक कैसी है। बाकी जो माइलेज रहेगा बाइक का, टेस्ट राइड क्वालिटी रहेगी बाइक की, वो मैं आपको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर दिखाते हुए बाइक चलाते हुए, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से बाइक की राइड क्वालिटी और सारा कुछ है। सो गाइस, आई थिंक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी आपको लगता है अभी भी बचा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी ऑल आर फैमिली गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।